तो चलिए रुक करते हैं अब तक की ताजा खबरों की तरफ। काशीपुर में एक विवाहिता से बेटा पैदा ना होने पर पति ने दूसरा निकाह कर लिया, जिसके बाद पति ने पहली पत्नी को 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। पीड़िता के परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि काशीपुर के अली खान निवासी राशिदा का निकाह जाकिर हुसैन के साथ हुआ था। शादी के बाद राशिदा के 4 बेटियां पैदा हुई, लेकिन ससुराल पक्ष द्वारा बेटा पैदा करने की लगातार मांग की जा रही थी, जिसके लिए ससुरालियों द्वारा राशिदा को प्रताड़ित और दहेज के लिए ताने दिए जा रहे थे। इतना ही नहीं, बेटे की चाहत के लिए जाकिर हुसैन ने एक पत्नी होने के बाद भी पड़ोस की एक युवती से निकाह कर लिया, जिसकी जानकारी पहली पत्नी को तब पता चली जब उसका पति निकाह के बाद अपनी दूसरी पत्नी को घर ले आया, जिसके बाद पति ने महिला पर सौतन के साथ रहने का दबाव बनाया, लेकिन राशिदा द्वारा सौतन के साथ रहने से मना किया गया तो उसके पति ने उसे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया, जिसके बाद महिला ने अपने पति के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। काशीपुर CO मनोज ठाकुर ने बताया कि महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है, जाँच के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। काशीपुर उत्तराखंड से FU खान की रिपोर्ट। देखिए, कल काशीपुर कोतवाली में तहरीर प्राप्त हुई है कि अली खान निवासी राशिदा जो है वाइफ ऑफ जाकिर, इसने तहरीर दी है कि इसके पति द्वारा इसे 3 तलाक दिया गया है और उसके द्वारा जो है दूसरी शादी कर ली गई है। जब इसके द्वारा विरोध किया गया तभी इसने 3 तलाक दिया है। तो इस प्रकरण पर काशीपुर कोतवाली में 498A और महिला मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए देखते रहिए News 22 India, खबर भी असर भी, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।